देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है, मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद इस देश के लिए है, मेरे जीवन का एक एक पल देश के लिए है। अभी मैं